हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सबक चित्र पाहुया गप्पा मारुया, जो कि मराठी दूसरी जमात से लिया गया है। इस सबक में बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, खेलों के, हमारे रोज़मर्रा के हरकत के और कुछ खेलों के वसाइल के। तो चलिए देखते हैं और इनके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे खेलनी दिया हुआ है, यानी खेलों के वसायल, इनके बारे में हम आगे बातचीत करते हैं। ये है बैट, इसे उर्दू में कहते हैं बल्ला। उसके बाद है बॉल, उसे उर्दू में कहते हैं गेंद। क्रिकेट खेल के लिए इन दोनों वसायल का इस्तेमाल होता है, इन दोनों खेलनी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है गुड़िया, इसे मराठी में कहते हैं बाहुली, यानी गुड़िया। ये बच्चों के खेलने के इस्तेमाल के लिए होती है। ये है पतंग, पतंग खेल आपने देखा होगा, इसको हवा में धागे की मदद से उड़ाया जाता है। इसको उर्दू और मराठी दोनों में पतंग ही कहते हैं। ये है हुला हुप, ये एक तरह की प्लास्टिक की एक रिंग होती है, जिसको बच्चे अपनी कमर के ऊपर बैलेंस करके घुमाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार खेल है। ये है लट्टू, ये लट्टू बचपन में आपने देखा होगा, इसको रस्सी या डोरी या धागा बांधकर इसको ज़मीन पर ज़ोर से घुमाया जाता है। ये भी बहुत रिवायती पुराना और मज़ेदार खेल है। ये है लूडो, आमतौर पर हम देखते हैं लूडो, इसमें चार लोग और दो लोग दोनों भी खेल सकते हैं। ये बड़े ही मज़ेदार गेम हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ इन खेलों के और इन वसाइल के नाम और थोड़ी सी मालूमात आपको समझ में आएंगी।